नमस्कार सभी को, हमारे हिंदी के अमेजिंग असाइनमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा असाइनमेंट है पार्ट अंडे के छिलके। तो बच्चों, अंडे के छिलके में हमने पार्ट में जरा जो हम थोड़ा सा पढ़े हैं उसे रिकैप करते हैं, वापस से उसे पुनराध्ययन करते हैं। तो हमने क्या देखा था, यह पार्ट एक एकांकी के रूप में है ना। और यह यहाँ पर कुछ पात्र है, जैसे कि कौन कौन है, राजा, मुन्ना, सुषमा, पिताजी, है ना। और यहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं, जैसे कि राजा, मुन्ना, सुषमा पढ़ाई करते रहते हैं। और क्या हुआ था, इनके घर में छिपकलियों की संख्या बढ़ गई थी, और जिसे कम करने के लिए अर्थात भगाने के लिए, छिपकलियों को भगाने के लिए बच्चों ने क्या किया था, प्लान किया था, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया था। और यहाँ पे सुषमा और राजा ने बिना मुन्ना को बताए क्या कर दिए थे, जगह जगह पे अंडे के खोल रख दिए थे, और जिसके कारण छिपकलियां तो भाग गई, मतलब घर में एक भी छिपकली नहीं दिख रही थी। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, घरों में मच्छरों की संख्या बढ़ गई थी। और मुन्ना ने कहा कि भाई आज तो घर में क्या हो रहा है, मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है। और उसने देखा कि पर्दे के जो प्लेटमेट पे उसे क्या दिखा, अंडे का छिलका दिखा, है ना। फिर जब बच्चों में बात हुई तो मुन्ना जो है इनकी बातों से सहमत नहीं था। किनकी बातों से, सुषमा और राजा की बातों से। फिर बच्चों में ये जो बहस हो रही थी, इसका निपटारा करने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए वो वहां पर गए, पिताजी के पास गए, अपनी अपनी बातों को उन्होंने बताया। और पिताजी ने बच्चों को समझाया कि इस संसार में हर एक जो प्राणी होता है वह सभी आवश्यक होते हैं। और इस जो प्रकृति है ना, प्राणियों को हर कोई ना कोई, सब छोटे बड़े सभी जीव जंतु को कुछ न कुछ काम सौंप कर रखती है, और सभी अपने काम को बड़े ही अच्छे से करते हैं। अगर कोई भी किसी काम में काम अड़ाता है, कोई भी अगर किसी के काम में टांग अड़ाता है, तो क्या होता है, परेशानी सभी को उठानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर बच्चों ने अंडे के खोल रख दिए थे, तो छिपकलियां तो भाग गई, लेकिन घर में मच्छरों की संख्या बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी बच्चों, क्योंकि जो छिपकली होती है वह छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है ना। अब छिपकली ही नहीं थी तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे मच्छर हैं, उनकी संख्या तो बढ़नी है ना। और इस पार्ट में हमने और क्या महत्वपूर्ण सुना था और पढ़ा था, हमने देखा था कि जो वृक्ष है हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है ना। क्यों, क्योंकि एक वृक्ष ही, ये पेड़ पौधे ही है जो डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किससे, हमारे वायुमंडल से, हमारी धरती से, सूर्य से। क्या करते हैं, डायरेक्ट ऊर्जा, मतलब इन्हें डायरेक्ट पावर प्राप्त होता है, ताकत प्राप्त मिलती है। क्योंकि और सभी प्राणी तो क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे हम भी भोजन नहीं खाते तो हमें क्या होता है, वीकनेस फील होता है ना, हमारी पूरी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, ताकत समाप्त हो जाता है। और जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमें शक्ति आ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमने देखा, हमारे वृक्ष ही ऐसे हैं, जो पेड़ पौधे ऐसे हैं जो सीधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किससे किससे, सूर्य से, वायुमंडल से और धरती से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अंडे का छिलका। और इस पार्ट में हमने देखा कि हर प्राणी जो है वह किसी न किसी रीजन से कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, हमारे अनजाने में ही हमारे फायदे के लिए काम करते रहते हैं। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका क्या होता है, उसकी परेशानी हमें भी उठानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पाठ। अब इस पाठ पर पूछा गया है प्रश्न। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों, कि शब्दों के सही अर्थ चुनकर उसके सामने लिखो। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, क्या दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है, कुछ शब्द दिए गए हैं। क्या शब्द दिए गए हैं, कि प्रयत्न, अंदाजा, सापेक्ष, संसार, सारा, ताकत। ठीक है, ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ के रूप में लिखना है। अब यहाँ पर पहला शब्द क्या है, देखो पहला शब्द है प्रमाणित। हमने देखा था
प्रमाणित का अर्थ क्या है? साबित। क्या है? साबित। तो हमें लिखना है यहाँ पर साबित। सभी लोग लिखो साबित। ओके, साबित करना। तो इस तरह से प्रमाणित का अर्थ हुआ साबित। अगला हमारा शब्द है कोशिश। क्या है? कोशिश। कोशिश मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना, मतलब ट्राई करना। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, कोशिश मतलब प्रयत्न। तो हमारा उत्तर क्या होगा? प्रयत्न, प्रयत्न। ओके, इस तरह से हमें लिख देना है। सही शब्द जो है इसका अर्थ है प्रयत्न। अब हमारा अगला शब्द आया बच्चों अनुमान। अनुमान लगाना मतलब अंदाजा लगाना। हम देखते हैं ना कि कल स्कूल खुलेगा क्या, ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर अनुमान मतलब क्या होगा? अंदाजा। क्या लिखेंगे हम? अंदाजा। यहाँ पे देखो अ के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, अंदाजा। ठीक है, इस तरह से हमने शब्द क्या लिखा? प्रमाणित मतलब साबित, कोशिश मतलब प्रयत्न, अनुमान मतलब अंदाजा। आइए अगले शब्दों पे हम चलते हैं। अगला हमारा शब्द है संपूर्ण। क्या शब्द है? संपूर्ण। तो संपूर्ण का अर्थ हुआ बच्चों सारा। क्या लिखेंगे? सारा। देखो इस तरह से संपूर्ण का अर्थ हुआ सारा, मतलब हम कहते हैं ना पूरा, तो उसे यहाँ पर कहा गया है सारा। अगला शब्द है सृष्टि। सृष्टि यू नो वर्ड, तो इस तरह से वर्ड जो होता है सृष्टि, मतलब इसे हम कहते हैं और शब्द में संसार। क्या कहेंगे? संसार। देखो सभी लोग लिखो संसार। ठीक है, अब अगला शब्द आया हमारा ऊर्जा। हमने देखा था ऊर्जा मतलब ताकत, ऊर्जा मतलब ताकत। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ताकत, है ना? ताकत, ताकत। तो इस तरह से हमने ये सारे शब्दों के सही अर्थों को लिख दिया। अब चलिए हम वापस एक बार पढ़ते हैं। तो हमारा पहला शब्द क्या है? प्रमाणित मतलब साबित, कोशिश मतलब प्रयत्न, अनुमान मतलब अंदाजा, संपूर्ण मतलब सारा, सृष्टि मतलब संसार, ऊर्जा मतलब ताकत। तो आप लोग भी इस उत्तर को अच्छे से लिखिए और